बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि जिसका मुझे इंतजार था वो आज हमारे गले में है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि एक लेवल होता है रेड क्लब का, यस या नो? कितने लोग जानते हैं इस लेवल को? सारे लोग? yes. और कितने लोगों की इसकी भूख है कि ये जरूर आना चाहिए? yes. और इसको पाने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा था कि ये कब आएगा। आज ग्रेट मेंटर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज आया, तो मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियां हो जाए। नाम जयकांत चौरसिया है, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का जिसने मुझे इंसान बनाया और हिंदुस्तान की धरती पर पैदा किया। दूसरा धन्यवाद अपने माँ बाप का जिन्होंने मुझे कैसे भी करके बड़ा किया और सूझबूझ के हिसाब से आगे बढ़ाया और पढ़ाया लिखाया जैसे भी करके उन्होंने किया, और आज मैं इस लायक हूँ कि यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। शुरुआत की बात करें, जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था उसमें नॉर्मली मैं जॉब किया करता था, 7,000 रुपए की जॉब थी। और जब जॉब करता था मैं तो कोई सपने नहीं थे मेरे, सिर्फ सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और उस रास्ते के बारे में ना मुझे जानकारी थी कि सपने कैसे पूरे किए जाए, और ना ही कोई बताने वाला था, क्योंकि जो भी मिलता था माँ बाप मिलते थे वो एक ही बात बोलते थे कि कुछ अपने लिए ढूंढ लो और कुछ करो। और अपने रिश्तेदारों से बोलता था कि कुछ काम बताओ, तो वो बोलते थे कि कोई भी काम कर लो, जो समझ में आए वो काम कर लो, हमारी जरूरत पड़े तो मैं बताऊंगा आपको। यस या नो? ज्यादातर लोगों में ऐसे ही होता है, क्योंकि बात करूँ पढ़ाई लिखाई की, मेरे माँ बाप ने इतना नहीं पढ़ा पाया था, नॉर्मली कक्षा 7 तक स्कूल जाने का मौका मिला था। कक्षा 7 तक स्कूल गया था, जॉब अगर ढूंढता भी तो कहाँ ढूंढता, ना ही मेरे पास सीवी थी, मैं सीवी जानता नहीं था कि कैसे बनवाई जाती है, ना ही मेरे पास सीवी थी, ना ही कुछ था। जहाँ भी जॉब के लिए सर्च करता था तो पहले लोग पूछते थे पढ़ाई कितनी है, पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है? yes. और लोग पूछते थे कि पढ़ाई कितनी है, तो मैं बोलता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।